गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन, क्योंकि पूरा महीना मैं हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट करने वाली हूँ। सो आपने काफी सारी ट्रिप्स प्लान कर ली होगी, जैसे मैंने भी करी थी, और अनफॉर्चुनेटली लास्ट मोमेंट पे मेरी जो ट्रिप्स है वो कैंसिल हो गई। बट कोई बात नहीं, मैंने कुछ मिंत्रा से बढ़िया बढ़िया पफर जैकेट्स ऑर्डर करी है, जो शायद आपको भी देखनी चाहिए अगर आप पफर जैकेट परचेज करने का प्लान कर रहे हो, क्योंकि कुछ तो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल भी है। तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड वीडियो देखने के बाद शेयर कर देना। चलो, तो एज यू कैन सी मैंने पूरी प्रिपरेशन करके रखी है, क्योंकि सेल चल रही थी, मैंने सेल का फायदा उठाया और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। शेयरिंग इज केयरिंग, लाइक आई ऑलवेज से, क्योंकि न्यू ईयर स्टार्ट हो गया तो हमें थोड़ा ब्लिंगी चीजों से स्टार्ट करना चाहिए। एंड फॉर दैट आई हैव दिस, इसका इफेक्ट है ना, कलर शिफ्ट इफेक्ट है, वो मुझे बहुत कूल लग रहा है। मीन आप इसे पहन के दिन में बाहर जाओ तो भी आपको बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन देगा, और नाइट पे जो लाइट्स आप पे पड़ेगी उसकी वजह से भी। तो इसको पहले हम ट्राई कर देते हैं। ओके यार, ये बहुत कंफर्टेबल, बहुत लाइट वेट है, मतलब आपको ये वॉर्म भी है, क्योंकि इसके अंदर जो इसकी फीलिंग है उसकी वजह से आप गर्मा गर्म फील करोगे। नॉट ओनली दैट, मैं भी इसे पहनते हुए नोटिस करी यार, यहाँ पे पॉकेट है। आप यहाँ पे अपनी सीक्रेट चीजें, जैसे कि अगर आपको नहीं लग रहा है कि आपको अपने फोन आपका सेफ है, तो आप यहाँ पे रख सकते हो, सी किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो मैं कह रही थी कि एक बार जिप अप करके भी देख लेते हैं। सो दिस इज दी फुल जैकेट लुक। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक, कि ये मुझे रखना चाहिए कि नहीं? मुझे तो ये बहुत पसंद आएगा। नेक्स्ट आई हैव दिस ब्यूटीफुल वाइट जैकेट, जिसका ये ब्लैक जिप देख के मैं बहुत खुश हो गई थी। अगर एकदम प्लेन होता ना तो यार मेरा दिल टूट जाता, क्योंकि थोड़ा तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ये चिपक क्यों गया? मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कुछ भी नहीं करा, ये अपने आप ही चिपका हुआ था। थोड़ा हमारे साथ स्कैम हो गया। व्हाट इज दिस? सो एज यू कैन सी, ये थोड़ी फ्लफी फ्लफी और बड़ी सी लग रही है। ये भी बहुत ज्यादा वॉर्म है, इसका जो लुक है। यार दूसरी पॉकेट मिली नहीं है, इसकी पॉकेट बहुत बड़ी है। आई मीन ओवरऑल लुक तो मुझे इसका अच्छा लगा, द ओनली इशू इसका प्रिंट यहाँ पे ट्रांसफर हो गया है, मुझे नहीं पता, बट ठीक है, जैसा भी है मुझे अच्छी तो लग रही है। ओह गॉड, इसकी जिप तो खत्म ही नहीं हो रही है। मतलब ये पैक दो के बहुत सही लग रही है, मतलब इसको पहन के आप किसी स्नो, मनाली, शिमला, स्पीति वगैरह जाओगे ठंडे वाली एरिया में, तो आपको मतलब ठंडी हवा लगने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि आप हर जगह से पैक दो। इवन इसके जो ये हैं कफ्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा टाइट है, तो आई फील वेरी वार्म, मुझे गर्मी लगने लग रही है इसको पहन के। गरम तो है ये, बात तो सही गई। मैंने ना पफर जैकेट्स थोड़ा मिक्स एंड मैच मंगाई है, जैसे कुछ बहुत सॉलिड कलर्स है, कुछ ब्लॉक सॉलिड्स है, लाइक मैं बता देती हूँ। अच्छा, उसमें एक और है। सो नेक्स्ट आई हैव दिस ब्लू एंड पिंक कलर मिक्स, आई थिंक ब्लॉक प्रिंट कहते हैं इसको, मुझे नहीं पता, अभी मेरा दिमाग बिल्कुल नहीं जा रहा, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ इन जैकेट से। ये खुली नहीं रही है। ओके, सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, ये बहुत क्यूट, मतलब टू मच पिंक भी नहीं है, और मतलब ठीक ठाक अच्छा पिंक है, तो जल्दी से इसे ट्राई कर लेते हैं। लव दिस जैकेट, बहुत ही पहनने के बाद ना ऐसा लगता है कि हाँ मजा आ गया। आई विल लुक कितनी बढ़िया की पॉकेट्स का। अच्छा, इसकी पॉकेट्स थोड़ी ऐसी है। इस जैकेट में ना आप कहीं स्नो वाली जगह पे जाओ और ऐसे खड़े हो जाओ, बस ऐसे करके अक्षय कुमार की तरह आपकी पिक्चर्स बहुत प्यारी आएगी। यार ये बहुत कुशनी और सॉफ्ट, एंड आई जस्ट लव दिस जैकेट। सो आई सॉ दिस जैकेट ऑल ओवर द इंटरनेट, एंड मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये था कि ठीक है, ये हॉट पिंक मैं भी ट्राई करूंगी, क्योंकि इट लुक्स वेरी 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 क्यूट, पर ये थोड़ा प्लास्टिक जैसा लग रहा है, पता नहीं। तो इसे ट्राई करते हैं, ये थोड़ी सी मुझे साइज में बड़ी लग रही है, बट कोई बात नहीं। मतलब आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ पिंक और हॉट पिंक कलर, बट ये देख के तो मुझे ऐसा लगा मैं पिघल कर, ये थोड़ी बड़ी लग रही है मुझे, ये लार्ज साइज भेज दिया इन लोगों ने मुझे, मैं तभी बोलूं, क्योंकि बाकी जैकेट मुझे अच्छे से हक कर रही है। ओ यार, ये लार्ज क्यों भेज दिया मुझे? बट यार ये भी बहुत कूल लग रही है, मतलब ओ इसके अंदर देखो, इसके अंदर भी पॉकेट है, आप अपने छोटे मोटे इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ रख सकते हो। फोन तो नहीं आएगा, क्योंकि ये सिर्फ इतने ही एरिया पे है, सी इतने ही एरिया पे है, और बस बाकी तो मैं क्या ही बोलूँ यार, ये लार्ज साइज आ गया, नहीं तो ये मेरे साथ ऐसे क्यों होता है।
नेक्स्ट वी हैव दिस अमेजिंग ब्लू कलर. ये थोड़ा शिमरी काइंड ऑफ शाइनी वाला ब्लू है जो ऐसे रिफ्लेक्ट होगा यू नो लाइट्स पे. चलो इसे ट्राई करते हैं. वाओ, ये वाली स्लीव्स जो होती है सी, ये मुझे इतनी पसंद है ना कि मतलब ये आपको एकदम कवर्ड रखती है, एकदम पैक्ड रखती है. कहीं ये एक्स्ट्रा स्मॉल तो नहीं भेज दिया मुझे मेरे साथ साइजिंग. ये जो ये वाला इलास्टिक होता है ना, ये बहुत ज्यादा कूल लगता है मुझे और आपको ठंड से भी बचाता है. एंड लुक एट द जैकेट, ये कितना पार्टी परफेक्ट लग रहा है कि कभी आपने आउटिंग करी ये तो आप ये जैकेट पहन के चले जाओ. अंदर कोई नॉर्मल सा टॉप आप यू नो पहन लो और उसके ऊपर हिस्से कवर अप के लिए यूज करो. मैं बहुत ज्यादा. So that's it for today's video guys. I hope ये जो मैंने आपसे आज puffer jacket share करी उसमें से एक दो ने तो आपका दिल जीत ही लिया होगा, I'm sure. So don't worry, मैंने description box में इनके link mention कर दिए हैं और आप मुझे comment करके बताना कि कौन सी jacket सबसे ज्यादा मुझ पर अच्छी लगी है. मतलब मैं भी तो देखूं आपकी मेरी चॉइस कितनी ज्यादा मैच करती है. एंड गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप और शेयर विद योर फ्रेंड्स और कमेंट करके मुझे ये भी बता देना कि आपको ये विंटर से रिलेटेड और कौन सा स्टफ में वीडियो देखना है, मतलब कौन सा वीडियो आप चाहते हो बेसिकली. और जाते जाते मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, मैं आपको फिर से बताना चाह रही हूँ. फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम अनुष्का खंडवाल और मैं मिलती हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय. राम राम सारे अली.